महंगाई के लिए हम लोग अपना हक लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अभी महीने में इलेक्शन करा लीजिए और आप देख लीजिएगा अगर ये 240 से 24 पे ना आ जाए। महिलाएं किसी से कम नहीं है, हम अपने अधिकारों को यहाँ से पाकर जाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अलका लांबा ने बैरिकेडिंग लॉन्च लांगी है। अलका लांबा जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप देख सकते हैं किस तरह से महिला आरक्षण विधेयक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी टीम के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस वजह से यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे थे। महिला आरक्षण लागू किया जाए इसी मांग के लिए आज आप देखिए हम महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और ये हमारा आंदोलन यहाँ से शुरू होकर पूरे देश में जाएगा। क्या आपने आज तक ऐसा देखा है कि कोई कानून पार्लियामेंट में और पास हो जाए दोनों सदनों में और फिर वो लागू ना हो? ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। ये हमारी देश का जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि पार्लियामेंट में कानून पास होता है उसके बाद लागू होता है, उसका मतलब होता है अगर आप लागू नहीं कर रहे कि आपकी नियत नहीं है लागू करने की, आप टाइम लेना चाहते हैं, आप बरगलाना चाहते हैं, तो बस वही हो रहा है। और उसी के लिए नारी शक्ति आज सड़कों पे उतरी है कि आपको अगर करना है तो आप लागू कीजिए। अब देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव है इतने प्रदेशों में, तो हमें उसका लाभ मिलेगा। आप लोग OBC आरक्षण की बात भी कह रहे हैं महिला रिजर्वेशन में, क्या कोई डाटा है आपके पास या कोई ऐसा आधार हो जिसके दम पर आप कहते हो कि जो OBC आरक्षण है वो भी इसमें शामिल हो? प्लीज़ हमारे देश को ये इसमें आप डाटा में मत उलझाइए। डाटा भी बन जाएगा वो भी अगर सरकार चाहे। देखिए सरकार चाहे तो डाटा भी बन सकते हैं, सरकार चाहे तो आज हमें महिला आरक्षण भी मिल सकता है, सरकार चाहे तो महंगाई पर रोक भी लग सकती है, पेट्रोल के दाम भी कम हो सकते हैं। ये सब कुछ आपके माइंड से आपके विलिंगनेस की बात होती है, अगर आपकी नियत होगी तो ज़रूर होगा, नियत नहीं। बढ़ती महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है और जो महिलाएं हैं वो दिल्ली के संसद मार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कितना खराब बजट आया है, हर वर्ग को उसमें सिर्फ आपने उनसे टैक्स लिए जा रहे हैं। आप सहूलियतें कहाँ दे रहे हैं? लीजिए आप टैक्स लीजिए लेकिन फिर उसके नाम पे आप कोई सहूलियत भी तो दीजिए ना। ये देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन जो महिलाएं यहाँ पर कर रही है, उन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ने की भी कोशिश की जा रही है। तमाम जो महिला यहाँ पर पहुंची है महंगाई की बात कह रही है। किन मुद्दों को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या किया गया आपके साथ? महिलाओं के हक के लिए, जो आजकल महंगाई है उस महंगाई के लिए हम लोग अपना हक लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये हमारी चॉइस है, हम कोई दंगा तो नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई गन तो नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसा तो नहीं है जो किसी इंसान को हार्म हो, हम लोग अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। क्या महंगाई एक मुद्दा है महिलाओं के लिए, महिला आरक्षण एक मुद्दा है? बिल्कुल है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। हमें ज्ञापन देना है महिला आरक्षण लागू करने के लिए, दूसरा उसमें OBC बहनों को शामिल करने के लिए, तीसरा महंगाई के लिए और नारी सुरक्षा के लिए। देखना यही है कि कांग्रेस के द्वारा आयोजित किए जा रहे इस विरोध प्रदर्शन का आने वाले समय में क्या राजनीतिक स्वरूप दिखता है और कैसे कांग्रेस पार्टी जिस तरह से महिलाओं के मुद्दों को उठा रही है, मुद्दों को केंद्र सरकार कितना गंभीरता से लेती है। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।